प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल में बिहार डिफेंस एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपका रीमेडिकल का रिव्यू लेकर आता हूं। आज मैंने रीमेडिकल का रिव्यू लेकर आया, तो क्रिकेट में रिव्यू लेकर आया हूं आप लोग के लिए। तो ये 19 नवंबर का जो रीमेडिकल हुआ था, 20 तारीख है। तो आज वो लगभग 10:30 बजे का सबको कार्ड मिल गया। तो आज का मैं रिव्यू शेयर करूँगा 19 के डेट में। बाकी आपने पिछला रिव्यू नहीं देखा था, जाकर आप रिव्यू देख सकते हैं। मैंने 11 से लेकर अभी तक मैंने 14-15 बस नहीं हुआ था। बाकी मैंने सभी रिव्यू का वीडियो मैं आपका पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल जैसे रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, तो आज थोड़ा बताने में भी अब थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि आज कैंडिडेट के छटने की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 11 से शुरू हुआ था और अभी तक में जितने भी दिन हुए, सबसे ख़राब स्थिति आज का रहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज ग्रीन कार्ड बहुत कम कैंडिडेट को मिला है। आज 8 ही कैंडिडेट थे जिनको ग्रीन कार्ड मिला है, बाकी 2 कैंडिडेट को आगे ही बढ़ा दिया गया 10, और बाकी जो 20 कैंडिडेट बच गए उनको ये रेड कार्ड दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि इतना कैंडिडेट मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके एग्ज़ाम निकाले, फिजिकल निकाले, उसके बाद मेडिकल में गए, फिर रीमेडिकल, तो बहुत अफसोस लगता है कि इतना कहीं मेहनत कर रहे हैं। तो ये एयरफोर्स पर डिपेंड करता है कि एयरफोर्स किस प्रकार से, लेकिन फिर मेरा तो है आपके साथ रिव्यू शेयर करने का कि आप आगे भी उस चीज़ को चेंज करके और आगे नेक्स्ट वैकेंसी आए तो उसमें आप अनफिट ना हो, उसको सुधार कर लें। अगर पास टाइम है उस चीज़ को, जिस चीज़ में आपको अनफिट करा उस चीज़ में आपको सुधार कर सकते हो, टाइम मिलता है तो आप लोग छोड़ना मत। लेकिन आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे ही आप रिपोर्ट करते हो 6:30 बजे, 6:30 बजे रिपोर्ट करने के बाद आपको 3-4 फॉर्म फिलअप करना होता है। अब फिलअप करने के बाद आपको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल में जैसे ही आप पहुँचते हो तो सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ, डिपार्टमेंट वाइज आपका चेक किया जाएगा। डिपार्टमेंट में किस में ज़्यादा छट रहा है सुन लो, आँख वाला में एक कैंडिडेट गलती थी। वो कैंडिडेट ने क्या गलती किया था कि पिछले 18 के डेट में उन्होंने लेंस लगा लिया था। लेंस के कारण उनको क्या हुआ था कि वहाँ की जो चेक करती है आँख और कान में लेडीज चेक करती है, वहाँ क्या हुआ था कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक हो गए, और स्ट्रिक होने के कारण आजकल के डेट के स्टूडेंट को दिक्कत हो गया कि आँख में कान वाला में पास नहीं हो पाए। DNS में पास हो रहे हैं, डेंटल में पास हो रहे हैं, ऑर्थो ECG में 2 फेल हुए थे, ऑर्थो में तो सबके सब फेल हो गए, ऑर्थो में सबके सब पास हो, गलती मिस्टेक हो गया ऑर्थो में। तब इतना सबसे ओवरऑल कहा जाए सबसे इजी ऑर्थो हो रहा है, जिसका हाथ बैंड या अंगुली में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर नौकरी में प्रॉब्लम है, या पीठ बैक बोन सही नहीं है, तो उस समय किसी को दिक्कत होता है बिल्कुल पास हो जा रहा है। छटने की संख्या ओवरऑल कहा जाए ना, तो आँख है और कान है, ECG है और एक्सरे है, इसमें कैंडिडेट ज़्यादा छट रहे हैं। बाकी DNS में हो गया, आज के जैसे ने प्रीतेश ने बताया था, प्रीतेश के डेट में था, प्रीतेश को भी ग्रीन कार्ड मिल गया। उनका था ये हाथ में पसीना आता था, और हाथ में पसीना, उनका BP था और ये ओवर वेट था, ये 2 चीज़ था। तो वो उन्होंने ग्रीन कार्ड लेके आए हैं, बहुत खुशी होती है जब कोई ग्रीन कार्ड लेकर आता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो छटने की संख्या आँख में है, कान में है, ECG में और एक्सरे में है। बाकी जिनमें भी कम पॉइंट बनता है तो आपको पास कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने उस डेट में रिव्यू शेयर किया, हो सकता है आपका कोई टॉपिक बच गया, स्किन रिलेटेड उस डेट में कोई नहीं था स्किन रिलेटेड, बाबा से ये पाइल्स का जिस डेट में जो होता है उस कैंडिडेट में पूछता हूँ, जितना कैंडिडेट बता पाता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर भी कोई सारे को डाउट होता है रीमेडिकल रिलेटेड, आप लोग कमेंट करना या टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपका सलूशन आपको बताने का पूरा कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखना।